Hi guys, my name is नितिश and यूर welcome to my YouTube channel. So, हम Data Science Mentorship Program में आगे बढ़ रहे हैं और अब हम अपने दूसरे मशीन लर्निंग Algorithm की तरफ move कर रहे हैं हमने अभी तक Linear Regression पढ़ा काफ़ी डिटेल में पढ़ा अब हम लोग के nearest नेबर्स पढ़ने वाले हैं विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मशीन लर्निंग Algorithm, बहुत ही simple, बहुत ही elegant, बहुत ही प्यारा इस वीडियो में मैं आपको के एन एन पढ़ाने वाला हूँ डिटेल में के एन एन का इंट्यूशन दूँगा आपको उसके पीछे कोड रन करके दिखाऊँगा थोड़ा और डिस्कशन करेंगे अराउंड के एन कैसे होता है अंडर कैसे होता है और फेलियर केसेस क्या है के के ये सब कुछ हम लोग इस एक वीडियो में कवर करेंगे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना बिकॉज मैं आपको कुछ एडिशनल वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा जैसे कि लेट्स से इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आप के को स्क्रैच से कोड करना चाहते हो तो आई लिंक अ सेशन ऑफ माई सेल्फ जहाँ पर मैंने स्क्रैच से के बनाना सिखाया है पाइथन में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो भी पढ़ सकते हो ऑल दो इट्स नॉट नेसेसरी बट इट्स इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू और भी एक दो वीडियोज में वहाँ पर लिंक करूंगा जो आपको थोड़ा और एडिशनल नॉलेज देगा अराउंड के एन एन ठीक है तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द इंट्यूशन पार्ट ऑफ के नियरेस्ट नेबर ठीक है द बेस्ट पार्ट अबाउट के नियरेस्ट नेबर अकॉर्डिंग टू मी इज़ कि के नियरेस्ट नेबर का जो लॉजिक है जिस तरीके से वो काम करता है वो बहुत रियल वर्ल्ड बेस्ड है सो so, यहाँ पर मैंने एक कोट ऐड किया है इफ़ यू कैन सी आपके स्क्रीन पर सो दिस कोट इज़ गिवन बाय वेरी फेमस एंटरप्रेन्योर कम मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन एंड मे बी आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा पहले कभी। यू आर द एवरेज ऑफ द फाइव पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ ठीक so, है सो इसी ब्यूटिफुल फिलासफ़ी पे बेस्ड है के और वही हम लोग अभी देखने जा रहे हैं ठीक है के एन एन अकॉर्डिंग टू मी इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अराउंड और इसको समझने में आपको ज़्यादा परेशानी होगी नहीं ठीक है तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं uh, मान लो हमारे पास वही डेटा है जिसके साथ में हमेशा कोई भी एल्गोरिथम समझाता हूँ सी जी पी ए आई क्यू और प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ बच्चे का प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ एंड वी हैव लेट्स ए स्टूडेंट डेटा ऑफ अराउंड वन हंड्रेड स्टूडेंट्स सो सैम्पल डेटा कुड बी लाइक दिस आठ अस्सी वन वन का मतलब प्लेसमेंट हो गया सेवन सेवेंटी ज़ीरो जीरो का मतलब प्लेसमेंट नहीं हो गया और इस तरीके से हमारे पास सौ लोगों का डेटा है हमारा काम है एक एम मॉडल बिल्ड करना जिसको जब हम ये डेटा दें तो वो हमारे लिए प्रिडिक्शन कर सके सो so दैट अगर कोई नया स्टूडेंट आता है मुझे उसका आई और सी जी पी ये पता चलता है तो मैं प्रिडिक्शन कर पाऊँ कि उसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा और हमने डिसाइड किया कि हम इस प्रॉब्लम को के यूज़ करके सॉल्व करेंगे ठीक है तो दिस इज़ द सेटिंग अब मैं आपको समझाता हूँ कि के इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है जोमेट्रिकली ठीक है तो होता क्या है कि मान लो आपके पास ये टू डेटा है मतलब इनपुट में देर आर टू कॉलम्स तो इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं लेट्स से हमने इसको प्लॉट किया दिस इज द ग्राफ यहाँ पर है आपका सी और यहाँ पर है आपका आई एंड यू कैन सी ये आपके सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं दीज आर ऑल द स्टूडेंट्स ओके सो यहाँ पर दो कलर्स में मैंने सारे स्टूडेंट्स को डिनोट कर रखा है लेट्स से ब्लू कलर डिनोट्स प्लेसमेंट हो जाना एंड पिंक कलर डिनोट्स प्लेसमेंट नहीं होना ठीक है तो के कैसे काम करता है के इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि आप अपने नेबर की तरह होते हो ठीक है सो वॉट यू डू इज़ के एन एन में यू स्टार्ट विद अ वैल्यू ऑफ के यू डिसाइड अ वैल्यू ऑफ़ के जनरली लेट्स थ्री ले के चला जाता है हमने थ्री ले लिया के का वैल्यू तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम थ्री नियरेस्ट नेबर्स को कंसिडर करने वाले हैं ठीक है सो मान लो थोड़ी देर के बाद हमारे पास एक क्वेरी पॉइंट आया एंड दैट क्वेरी पॉइंट इज दिस दिस इज़ द क्वेरी पॉइंट जिसका प्रोडिक्शन हमें करना है इस बच्चे का हमें सी जी पी ए पता है और इस बच्चे का हमें आई क्यू भी पता करना है आ, पता है और हमें ये पता करना है कि आ, ये जो बच्चा है ये ब्लू क्लास में गिरेगा या फिर आपका पिंक क्लास में गिरेगा ठीक है तो अब आपको क्या करना होता है के में आप इस क्वेरी पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है हर पॉइंट से निकालते हो सारे डिस्टेंसेज निकालते हो जनरली uh, आप यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हो बट इन सर्टेन केसेस कुछ और तरीके के डिस्टेंसेज भी निकाले जाते हैं जो हम लोग आगे एक वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है बट अभी आप मान लो कि हमने सारे पॉइंट्स के साथ यूक्लिडियन डिस्टेंसेज कैलकुलेट किए सो बेसिकली मैंने हंड्रेड डिस्टेंसेज कैलकुलेट किए वन फॉर ईच ट्रेनिंग पॉइंट ठीक है फिर मैं क्या करूँगा मैं उन सारे डिस्टेंसेस को सॉर्ट कर दूंगा इन असेंडिंग ऑर्डर जिससे क्या होगा सबसे जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स हैं वो सबसे ऊपर आ जाएंगे तो लेट्स से इन आर केस ये तीन पॉइंट्स ये तीन पॉइंट्स सबसे क्लोज हैं हमारे गिवेन क्वेरी पॉइंट के तो अब आप क्या करते हो आप एक रूल अप्लाई करते हो जिसको बोला जाता है मेजॉरिटी काउंट मेजॉरिटी काउंट सो इट्स लाइक डेमोक्रेसी आप वोटिंग करवा रहे हो बेसिकली आपने के का वैल्यू थ्री ले रखा था आप इस पॉइंट से जाके पूछ रहे हो कि अपना क्लास बताओ उसने बोला वन आप इस वाले से पूछ रहे हो अपना क्लास बताओ उसने बोला वन आप इस वाले से पूछ रहे हो अपना क्लास बताओ उसने बोला, बता बोला ज़ीरो अब आप सिंपली देखोगे कि मेजॉरिटी में कौन है वन मेजॉरिटी में है या ज़ीरो मेजॉरिटी में है तो यू कैन सी आपका वन मेजॉरिटी में है तो आप सीधे सीधे क्या बोलोगे कि ये जो गिवन क्वेरी पॉइंट है इसका भी जो क्लास लेबल होगा वो वन होगा एंड दैट सेट इतना ही सिंपल है केएनएन केएनएन इतना सिंपल एल्गोरिथम है कि आप पाँच मिनट में समझ सकते हो एंड आई रियली होप आपको समझ में आया कि के कैसे काम करता है द ब्यूटी ऑफ के एन इज़ कि ये सिर्फ टू में ही नहीं कितने भी डायमेंशनल डेटा में काम करता है सो लेट्स यहाँ पर हमारे पास सी जी पी और आई क्यू दो इनपुट कॉलम्स थे अगर इसके बदले हमारे पास बहुत सारे इनपुट कॉलम्स होते लेट्स एन इनपुट कॉलम्स होते तो भी ये लॉजिक एप्लीकेबल होता आप ऐसे समझो कि उस केस में आपके पास एक एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता और हर रो बेसिकली हर स्टूडेंट एक वेक्टर बन गया होता इस एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस में और आप फिर एक नया क्वेरी पॉइंट लेके आते उस क्वेरी पॉइंट को भी आप एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते और इस वेक्टर का आप डिस्टेंस बाकी सारे वेक्टर्स के साथ निकालते सबसे क्लोजेस्ट वाले जो तीन वैक्टर्स होते आप उनको सेलेक्ट कर लेते और फिर आप उससे मेजॉरिटी काउंट लगाते और उससे आप डिसाइड करते क्लास लेबल ऑफ द क्वेरी पॉइंट एंड दैट इज हाउ के नियरेस्ट नेबर वर्क्स वेरी वेरी सिंपल ठीक है एंड या आई होप आपको समझ में आ गया तो गईज अभी हमने जस्ट के एन एन का इंट्यूशन देखा इट वुड बी गुड अगर हम लोग इसी पॉइंट पे एक छोटा सा कोड एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि के कैसे काम करता है सो so, मैंने एक डेटा सेट यूज़ किया है uh, इस चीज़ को समझाने के लिए और वो है ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट बहुत ही फेमस डेटा सेट है और आपने शायद और भी जगहों पर इसको देखा होगा डेटा सेट uh, क्या करता है मैं आपको बताता हूँ इस डेटा सेट में हमारे पास थर्टी थ्री कॉलम्स हैं और इन थर्टी थ्री कॉलम्स में बेसिकली अलग अलग इनपुट कॉलम्स हैं जो बेसिकली ब्रेस्ट का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं और एंड में एक डायग्नोसिस बोल के कॉलम है जो ये बता रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं ठीक है तो मैंने इस डेटा सेट को इंपोर्ट किया है हम इस डेटा सेट को यूज़ करेंगे के यूज करके क्लासिफिकेशन करने के लिए इस डेटा सेट में दो कॉलम्स मुझे यूजफुल नहीं दिखे एक है आई कॉलम और एक लास्ट में है दिस अननेम्ड थर्टी टू कॉलम जिसमें कोई वैल्यूज़ नहीं थी तो मैंने क्या किया मैंने इन दोनों को ड्रॉप कर दिया एंड राइट नाउ दिस इज द डेटा दैट आई हैव डायग्नोसिस मेरा आउटपुट कॉलम है और उसके अलावा थर्टी इनपुट कॉलम्स हैं जो सारे के सारे न्यूमेरिकल हैं ठीक है थीके? कोई वैल्यूज मिसिंग नहीं है कुछ और प्रॉब्लम्स uh, नहीं है इस डेटा सेट में तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे के एन अप्लाई करने के लिए सो so, सबसे पहले मैंने क्या किया है मैंने अपने पूरे डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा सेट में और ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है शायद कि आप ऐसा क्यों करते हो सो so, कभी भी अगर आपको अपने मशीन लर्निंग मॉडल के परफॉर्मेंस को टेस्ट करना है तो आप अपने गिवेन डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो सो द फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग डेटा एंड द सेकेंड पार्ट इज़ कॉल्ड टेस्ट डेटा एंड वॉट यू डू इस ट्रेनिंग डेटा पे अपने मशीन लर्निंग यादम को ट्रेन करते हो और उस मशीन लर्निंग मॉडल को आप टेस्ट डेटा पे रन करते हो टेस्ट डेटा पे आप जैसे ही रन करते हो आपको आपके प्रोडिक्शंस मिल जाते हैं और इन प्रोडिक्शंस को आप एक्चुअल वाई वैल्यू के साथ कंपेयर करते हो एंड वंस यू डू कंपेरिजन आपके पास एक स्कोर आता है राइट right? और यही एक्यूरेसी स्कोर आपको बताता है कि आपके एम मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा रहा ठीक है यहां पर हम आर टू स्कोर यूज किया करते थे जब हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था क्लासिफिकेशन एलगोरिदम्स के लिए आप एक्यूरेसी स्कोर मेट्रिक यूज करते हो ठीक है एक्यूरेसी स्कोर इज द मेट्रिक बहुत सिंपल है मान लो आपके पास ये डेटा है आ, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देता हूँ सीजीपीए आईक्यू और प्लेसमेंट हुआ या नहीं आपके पास थाउजेंड बच्चों का डेटा है आपने क्या किया एट हंड्रेड स्टूडेंट्स के डेटा को लिया और उसको ट्रेन में डाल दिया और मॉडल को ट्रेन करा दिया और टू हंड्रेड बच्चों का डेटा आपने छुपा दिया टेस्ट में रख लिया तो आपके पास टू हंड्रेड बच्चों का इस तरीके से डेटा है इस तरीके से डेटा है ठीक है मान लो उसमें से एक बच्चा है अस्सी एम सॉरी एटी प्लेसमेंट हो गया नाइन नाइनटी प्लेसमेंट नहीं हुआ समथिंग इस तरीके से हमारे पास दो सौ बच्चों का डेटा है अब जैसे ही आपका मॉडल ट्रेन होता है अब आप क्या करते हो आप ये जो पूरा इनपुट डेटा है ये इनपुट डेटा को आप अपने एम मॉडल में फीड कराते हो और फिर हर बच्चे के लिए एक प्रिडिक्शन आता है ठीक है मैं यहाँ पे प्रिडिक्शन लिख देता हूँ तो मान लो पहले वाले के लिए प्रडिक्शन आया वन और दूसरे वाले की भी प्रेडिक्शन आया वन और इस तरीके से आप 200 बच्चों के लिए प्रेडिक्शंस जनरेट करते हो एक्यूरेसी स्कोर कैसे काम करेगा बहुत सिंपल है टोटल आपके कितने स्टूडेंट्स हैं 200 उसको आप डिवाइड कर देते हो कितने सही प्रेडिक्शंस हैं लेट से 180 सही प्रेडिक्शंस हुए 20 इस तरीके से गलत हो गए तो बेसिकली दिस इज योर एक्यूरेसी जब आप इसको डिवाइड करोगे लेट्स से अगर ये 100 होता तो 50% एक्यूरेसी होता तो दैट इज हाउ यू डू द एंटायर क्लासिफिकेशन फ्लो नाउ इफ आई कम बैक टू द कोड आई शो यू मैंने क्या किया तो so, मैंने मॉडल सिलेक्शन से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट करके पॉइंट टू परसेंट का टेस्ट uh, साइज लिया है ट्वेंटी परसेंट डेटा टेस्ट में डाला है और ये देखो हमारे पास ये रहा हमारा एक्स ट्रेन टोटल हमारे पास फाइव सिक्सटी नाइन पेशेंट्स थे अब हमारे पास फोर फिफ्टी फाइव ट्रेनिंग के अंदर अब यहां पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है आ, कि आपको ना जब भी आप काम कर रहे हो के नेबर्स के साथ तो इट्स ऑलवेज एडवाइज कि आप अपना सारा का सारा डेटा सेम स्केल पर ले आओ जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ ये जो कॉलम है रेडियस मीन ये टें के स्केल पर है फोर्टीन इलेवन नाइनटीन इस तरह से वैल्यूज हैं एज अगर आप इस कॉलम को देखो कॉम्पैक्टनेस मीन तो ये डेसिमल में है राइट right? आप यहां पर भी देखोगे तो कुछ और वैल्यूज है, है तो इस तरह का डेटा अगर आप फीड कराओगे अपने के मॉडल में तो यू वुड नॉट गेट गुड रिजल्ट और उसका रीजन ये है कि आपका जो के है वो पूरे तरीके से रिलाई करता है डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने में ठीक है अब मान लो ये x है ये x1 है ये x2 कॉलम है या आपका डायमेंशन है तो अगर ये टेन थाउजेंड के स्केल पर है और ये वंस के स्केल पर है तो ये जो डिस्टेंस है ना इसमें ये वाला वैल्यू बहुत डोमिनेट कर जाता है राइट और आप इसलिए ऐसा नहीं चाहोगे आप इस डिस्टेंस मेट्रिक को रिलायबल रखना चाहोगे ठीक है रिलायबल रखना चाहोगे और उसके लिए आपका ये दोनों जो कॉलम्स हैं दे शुड बी ऑन द सेम स्केल एंड दैट इज वाई वॉट वी डू इज वी अप्लाई सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आर केस वी आर अप्लाइंग स्टैंडर्ड स्केलर क्लास जो कि क्या करता है आपके सारे के सारे कॉलम की वैल्यूज को जैसे मान लो आपके पास ये एज बोल करके एक कॉलम है जहां पे अलग अलग एज वैल्यूज है आप इसको स्टैंडर्डाइज कैसे करते हो कि आप एज का मीन निकाल लेते हो और स्टैंडर्ड निकाल लेते हो और फिर आप हर वैल्यू के ऊपर इस वैल्यू के लिए सेवनटी थ्री माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा ऐसा आप हर वैल्यू के लिए करते हो एंड यू गेट अ स्टैंडर्डाइज वैल्यू ठीक है तो हमने यहाँ पर यही कर रखा है हमने स्टैंडर्ड स्केलर लगाया हमने ट्रेनिंग वाले डेटा पे पहले मीन uh, और स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज कैलकुलेट की और फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया और एक्स ट्रेन में ही स्टोर कर दिया फिर हमने एक्स टेस्ट के ऊपर भी सेम काम किया हमने डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म लगाया हमने फिट नहीं लगाया बिकॉज वी डोंट वांट टू रिकैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज वो हमें एक्स ट्रेन के हिसाब से ही रखना है ठीक है इतना करने के बाद अब मेरे पास जो डेटा है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है अभी भी फोर फिफ्टी फाइव रोज और थर्टी कॉलम्स ही हैं बट यू कैन सी नाउ इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन टू numpy array pandas डेटा फ्रेम नहीं रहा बट आपको दिखाई दे रहा होगा कि सारी वैल्यूज सिमिलर स्केल पर आ गई हैं और यही हमें चाहिए था ठीक है अब इसके बाद काम आसान है हमने क्या किया एस के लर्न डॉट नेबर्स से के नेबर्स क्लासीफायर क्लास को इम्पोर्ट किया यहाँ पर हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप कितने नेबर्स लेके चलना चाहते हो आपका नेबरहुड कितना बड़ा होगा हमने फाइव ले लिया बिकॉज बाई डिफॉल्ट वैल्यू फाइव ही रहती है और फिर हमने अगले स्टेप में क्या किया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन train, मेरे ट्रेनिंग डेटा को यूज करके हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया अब आया प्रिडिक्शन का टाइम तो हमने क्या किया हमारे टेस्ट डेटा के ऊपर प्रिडिक्ट फंक्शन कॉल करके प्रिडिक्शन किया विच इज बेसिकली डूइंग दिस स्टेप हमने हर टेस्ट वाले बच्चे के लिए प्रिडिक्शन जनरेट किया और फिर हमने एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन में भेज दिया जो साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा है कितनी गलती हुई और कितना सही है एंड यू कैन सी हमारे गिवन डेटा पे फाइव के नियरेस्ट नेबर्स रखने पर हमारा जो एक्यूरेसी स्कोर आ रहा है इट इज कमिंग आउट टू बी नाइनटी सेवन परसेंट ठीक है तो दैट इज हाउ यू अप्लाई के नियरेस्ट नेबर ऑन अ डेटा सेट है अभी तक जो भी आपको पढ़ाया गया आपको चीज़ें समझ में तो आ रही होंगी बट आपके सामने जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा वो ये होगा कि k का वैल्यू आप कैसे सेलेक्ट करोगे बिकॉज k सीम्स इम्पॉर्टेंट तो इसका कोई सही आंसर नहीं है मैं ये नहीं बोल सकता कि k का वैल्यू थ्री सही है या फिर k का वैल्यू फाइव सही है इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर डेटा अलग पे अलग डेटा सेट्स पर अलग अलग के वैल्यूज़ अच्छा वर्क करती हैं और ये पता करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर डेटा सेट पर कौन सा के वैल्यू सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा आप दो तरीके इस्तेमाल करते हो पहला एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच है ह्यूरिस्टिक uh, अप्रोच का मतलब आप बोल सकते हो पढ़ा लिखा जुगाड़ जो रिसर्चर्स ने किया है और दूसरा है एक्सपेरिमेंटेशन मैं दोनों आपको एक एक करके बताता हूँ सो ह्यूरिस्टिक में आप क्या करते हो कि यू सिंपली टेक स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर रूट ऑफ एन क्या है एन है आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बेसिकली नंबर ऑफ पेशेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो मान लो अगर आपके पास 400 पेशेंट्स हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 हो जाएगा 20. ठीक है अब इसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जनरली यू अवॉइड इवन वैल्यू फॉर के बिकॉज खुद ही सोच के देखो ना अगर आप ईवन वैल्यू ले लो मान लो ये अपना ट्रेनिंग पॉइंट है और ये अपना आम सॉरी ये अपना क्वेरी पॉइंट है और ये अपना ट्रेनिंग डेटा है और आपने क्या किया आपने के का वैल्यू ले लिया फोर और यही चार पॉइंट्स हमारे नेबरहुड में है तो दिस इज़ आर नेबरहुड अब आप जैसे ही मेजोरिटी काउंट कराओगे तो दो हैं वन वाले और दो हैं ज़ीरो वाले कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो यू टन टू अवॉइड दैट सो चार सौ का ट्वेंटी आया ट्वेंटी से आप या तो नाइनटीन ले लो या ट्वेंटी वन ले लो इट डिपेंड्स ऑन यू बट ऑनेस्टली मैं ये सजेस्ट नहीं करता स्टूडेंट्स को दिस इज़ जस्ट अ टेक्निक जो आपको कुछ जगहों पर दिखाई दे सकता है अ बेटर टेक्निक इज़ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरिमेंटेशन में भी वी यूज क्रॉस वैलिडेशन सो मैं आपको समझा देता हूँ एक्जैक्टली exactly कैसे काम करता है सो so, आपके पास लेट्स से थाउजेंड ऑब्ज़रवेशंस हैं आपने इसको ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड कर दिया आपने 800 पॉइंट्स को ट्रेनिंग में डाल दिया 200 पॉइंट्स को टेस्ट में डाल दिया अब आप क्या करोगे आप अलग अलग के एन मॉडल्स बनाओगे लाइक like, एक के एन मॉडल होगा जहाँ पर एन का वैल्यू वन होगा एक और के एन एन मॉडल होगा जहाँ पे एन का एज एन नंबर ऑफ़ नेबर्स का वैल्यू टू होगा फिर के एन एन मॉडल होगा जिसमें नंबर ऑफ़ नेबर्स का वैल्यू थ्री होगा सो ऑन लेट्स से के एन एन जहाँ पे नंबर ऑफ नेबर्स का वैल्यू ट्वेंटी फाइव है और आप ये सारे के सारे डिफरेंट के एन एन मॉडल्स को इस ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन करोगे और फिर जो मॉडल ट्रेन हुआ उसको आप अपने टेस्टिंग डेटा पे रन करोगे एंड यू विल फाइंड द एक्यूरेसी स्कोर लेट्स से इसका एक्यूरेसी स्कोर आ रहा है 83, इसका आ रहा है 81, इसका आ रहा है 87, ऐसे करते करते आप सभी के लिए एक्यूरेसी स्कोर निकालोगे एंड इवेंचुअली यू विल सेलेक्ट दैट मॉडल जिसका एक्यूरेसी स्कोर इज़ द हाईएस्ट, ठीक है तो दिस इज बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन आप अपने डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो और अलग अलग के मॉडल्स बिल्ड कर रहे हो विथ डिफरेंट वैल्यू वैल्यूज ऑफ के और फिर जिससे टेस्ट डेटा पे बेस्ट रिजल्ट आ रहा है आप उसी को सेलेक्ट कर रहे हो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ सोच so हम लोग उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ा रहे हैं जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर डेटा साइट था सो so अगर आपको याद होगा जब मैंने का 5 के का वैल्यू फाइव लेके काम किया था तो मुझे एक्यूरेसी मिला था नाइन्टी सेवन परसेंट का अब मैं क्या करूँगा मैं क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई करूँगा टू फाइंड आउट द बेस्ट के वैल्यू सो यू कैन सी मैं एक से लेके पंद्रह तक लूप चला रहा हूँ बेसिकली ये लूप पंद्रह बार घूमेगा हर बार आई का वैल्यू एक से लेके बढ़ेगा पंद्रह तक और मैं हर बार एक डिफरेंट के एन एन मॉडल बना रहा हूँ जहाँ पे नंबर ऑफ नेबर्स उतने होंगे जितना लूप में आई का वैल्यू है पहली बार वन दूसरी बार दो तीसरी बार तीन लास्ट में पंद्रह और हर के एन एन मॉडल को मैं अपने ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन करा रहा हूँ और फिर मैं टेस्ट डेटा पे प्रोडिक्शन करवा रहा हूँ इससे मुझे वाइप्रेड मिल रहा है और वाइप्रेड के यूज करके मैं एक्यूरेसी स्कोर कैलकुलेट कर रहा हूँ so खत्म होने के बाद मुझे फॉर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स एक्यूरेसी स्कोर्स मिल रहे हैं और जब मैं उसको प्लॉट कर रहा हूं, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आपका के वैल्यू है और वाई एक्सिस पे आपका एक्यूरेसी वैल्यू है एंड यू कैन सी जो बेस्ट एक्यूरेसी मुझे मिल रहा है वो इस के वैल्यू के लिए मिल रहा है विच इज के इज इक्वल टू थ्री के इज इक्वल टू थ्री बाकी सभी में मुझे कम एक्यूरेसी मिल रहा है जैसे फोर्टीन से ज्यादा में कम मिल रहा है थ्री से कम में कम मिल रहा है 5 onwards, तो यू कैन सी आई एम एक्चुअली गेटिंग वैल्यू ऑफ नाइनटी नाइन परसेंट तो दैट इज वन वे टू सेलेक्ट के और भी कुछ टेक्निक्स होती हैं बट मोस्टली मैंने जो देखा है वो यही टेक्निक यूज होती है आई होप आपको मैं समझा पाया सो so गाइज हमने अभी के एन एन कैसे काम करता है ये देखा अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल पढ़ाने जा रहा हूँ जिसको हम डिसीजन सरफेस बोलते हैं कुछ जगहों पर इसको डिसीजन बाउंड्री भी बोला जाता है और ये एक टूल है जो आप यूज़ करते हो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम लाइक के एन एन तो आप इसको पढ़ रहे हो के एन एन में बट आप इसको आगे यूज़ ऑलमोस्ट हर क्लासिफिकेशन सिनेरियो में करोगे एस वी एम पढ़ोगे तब यूज़ करोगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन डिसीजन ट्री इवन न्यूरल नेटवर्क्स में भी आप इसको यूज़ करोगे बेसिकली जहाँ भी आप क्लासिफिकेशन डेटा पे काम कर रहे हो इफ़ दैट डेटा इज लेट्स वन डी और टू डी और थ्री डी आप ये डायग्राम बना करके अपने एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हो ठीक है तो अभी मैं उसको आपको बस ये समझाऊंगा कि ये डिसीजन सरफेस होता क्या है और एक हाई लेवल ओवरव्यू दूंगा कि इसको बनाया कैसे जाता है अगर आप बहुत डीप लेवल पे समझना चाहते हो अलोंग विथ कोड कि ये कैसे बनता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो ऐड कर रहा हूँ उस वीडियो को देख करके आपको सब समझ में आ जाएगा ठीक है पहले मैं आपको एक बार बताता हूँ ये डिसीजन सर्फेस होता क्या है सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जहाँ पे हमारे पास टू डी इनपुट डेटा है uh, जैसा कि सी जी पी ए और आई क्यू और जो हमारा आउटपुट कॉलम है वो एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है मतलब इसमें दो क्लासेस हैं जीरो एंड वन तो आप क्या करते हो कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझाता हूँ ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं रेड और ब्लू में दे आर ट्रेनिंग पॉइंट्स दे आर ट्रेनिंग पॉइंट्स और फिर आपको ये जो रीजन्स दिखाई दे रहे हैं ये जो रीजन्स दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है डिसीजन रीजन अब इन रीजन्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको समझाता हूँ सो so, लेट्स से कल को एक ट्रेनिंग पॉइंट यहाँ पे आके गिरता है लाइक दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज सी जी पी ए दिस इज़ आई क्यू अब किसी बच्चे का सी जी पी ए यहाँ पर है और आई क्यू यहाँ पर है तो हम डायरेक्टली उसको इस ग्राफ में प्लॉट करके इस डिसीजन सरफेस में प्लॉट करके समझ सकते हैं कि वो ऑरेंज रीजन में है इसका मतलब वो रेड पॉइंट से रिलेटेड है अगर कोई नया पॉइंट यहाँ पे आके लाई करता है तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट ब्लू वाले से रिलेट करता है तो बेसिकली ये जो डिसीजन सरफेस है ये पूरे के पूरे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है दो रीजन्स में डिवाइड कर रहा है एक है ऑरेंज रीजन और एक है ब्लू रीजन बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर क्लासेस तो इसको देखने के बाद आपको अलग से प्रडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको देख के समझ में आ रहा है कि कहाँ तक पॉइंट्स पॉजिटिव हैं और कहाँ पे पॉइंट्स नेगेटिव हैं कहाँ पे पॉइंट ज़ीरो हैं कहाँ पे पॉइंट वन है और ये जो बाउंड्री है जहाँ पे ये डिसीजन सरफेस चेंज होता है इसको हम डिसीजन बाउंड्री बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मशीन लर्निंग में ठीक है तो गोइंग फॉरवर्ड आप नोटिस करोगे कभी भी आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो एटलीस्ट इन वन डी टू डी और थ्री डी आप इस तरह का डिसीजन सरफेस बनाओगे ठीक है नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन ये बनाया कैसे गया ये जनरेट कैसे हुआ तो बहुत सिंपल है आप क्या करते हो आप दो तीन स्टेप्स में ऑपरेट करते हो आप सबसे पहले अपने ट्रेनिंग डेटा को प्लॉट कर लेते हो यू प्लॉट योर ट्रेनिंग डेटा उसके बाद एक्स और वाई एक्सेस पे आप रेंज कैलकुलेट करते हो अपने ट्रेनिंग डेटा का जैसे ये है एक्स रेंज दिस इज़ द एक्स रेंज एंड दिस इज द वाई रेंज राइट और अब आप क्या करते हो आप इतने रेंज के लिए जनरेट यू जेनरेट अ नंपाई मेशक्रेड आई गेस आपको याद होगा मैंने आपको मेशक्रेड पढ़ाया था बेसिकली आप सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इतने रीजन में उनको जनरेट कर रहे हो लाइक दिस खूब सारे पॉइंट्स आप जनरेट कर रहे हो फिर आप क्या कर रहे हो इस ट्रेनिंग डेटा को यूज़ करके अपने के एन एन मॉडल को ट्रेन कर रहे हो और जैसे आपका के एन एन मॉडल ट्रेन हो जाता है आप इनमें से हर पॉइंट को इस के एन एन मॉडल में भेज रहे हो अगर के एन एन मॉडल बोलता है वन तो आप उस पॉइंट को ब्लू से एनकोड कर दे रहे हो अगर के एन एन मॉडल बोलता है ज़ीरो तो आप उस पॉइंट को ऑरेंज से एन कर दे रहे हो और ऐसा आप हर पॉइंट के लिए कर रहे हो मे बी थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स के लिए कर रहे हो और फिर आप क्या करते हो इन पॉइंट्स को एज पिक्सल दिखाते हो ऑन एन इमेज सो यू कैन सी यहाँ पर हर पॉइंट है उसका कलर या तो ब्लू है या तो ऑरेंज है और खूब सारे ब्लू पॉइंट्स जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ब्लू रीजन बन गया खूब सारे ऑरेंज पॉइंट्स अगर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ऑरेंज रीजन बन गया एंड दैट इज़ हाउ दिस डिसीजन सर्फिस इज क्रिएटेड नाउ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि एग्जैक्टली इसका कोड क्या होगा तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन चेक करो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना रखा है अराउंड फोर्टी मिनट्स का है बट मैंने हाथ से ये पूरा का पूरा चीज करके दिखाया द गुड पार्ट इज़ आपको हर बार फोर्टी मिनट्स स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है देर इज़ अ लाइब्रेरी कॉल्ड एम एल एक्सटेंड वी कैन यूज़ दिस लाइब्रेरी टू प्लॉट डिसजन सर्विसिस बार बार करने की ज़रूरत नहीं है बस एक फंक्शन कॉल करो आपका काम हो जाएगा ठीक है तो या आई वॉन्टेड टू गिव यू दिस इंट्रोडक्शन अबाउट डिसजन सर्विसिज़ एंड डिसजन बाउंड्री बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है वहाँ पर हम इसको बहुत यूज़ करेंगे सो नाओ गाइज वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि के को बढ़ाने या घटाने से uh, हमारा मॉडल कैसे बिहेव करता है के मतलब नंबर ऑफ नेबर्स ठीक है तो जो डेटा है हमारा इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं सो so, मान लो हमारे पास 200 स्टूडेंट्स का डेटा है 200 स्टूडेंट्स का डेटा है ठीक है अब मैं आपको दो सिनेरियोस दिखाता हूँ सो so, मान लो पहला सिनेरियो ये है कि मान लो ये हमारा डेटा है इसको हमने प्लॉट कर रखा है दो अलग क्लासेस हैं प्लेसमेंट हुआ प्लेसमेंट नहीं हुआ ठीक है अब पहला सिनेरियो जो है वो है कि हमने के का वैल्यू मान लो वन ले रखा है के का वैल्यू हमने वन ले रखा है अब खुद सोचो के का वैल्यू अगर वन होगा तो जैसे ही कोई नया क्वेरी पॉइंट आएगा मान लो ये नया क्वेरी पॉइंट है तो वो अपने सबसे नियरेस्ट नेबर को खोजेगा और जो उसके नियरेस्ट नेबर का क्लास होगा क्वेरी पॉइंट का भी वही क्लास हो जाएगा जैसे इस केस में ब्लू ठीक है अब आप इस बिहेवियर को एक्चुअली थोड़ा ज़ूम इन करके समझ सकते हो कि ऐसा हो सकता है कि मान लो यहाँ पर एक ब्लू पॉइंट हो जिसको आप आउटलायर बोल सकते हो और यहाँ पर अगर एक क्वेरी पॉइंट आता है तो ऑल दो ये क्वेरी पॉइंट होना चाहिए था पिंक रीजन में बट सिंस इसका नियरेस्ट जो पॉइंट है वो ब्लू है हम इसको ब्लू बुलाएंगे और ऐसा कई जगहों पे हो सकता है सो so बेसिकली होगा क्या कि जो डिसीजन सरफेस है वो बहुत ही छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड हो जाएगा जैसे कि ऐसा हो सकता है कि इतना पिंक रीजन है फिर इतना थोड़ा सा ब्लू रीजन है फिर यहाँ पे पिंक रीजन है और बिकॉज़ यहाँ पर एक पिंक पॉइंट है तो यहाँ पर एक पिंक रीजन है uh, ये मान लो फिर से ब्लू रीजन है यहाँ पर एक और पिंक पॉइंट था तो ये पिंक रीजन है ये ब्लू रीजन है सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप डेटा में जो बहुत माइनर चेंजेस भी हैं उसको भी आप रट रहे हो याद कर रहे हो एंड बाई डेफिनेशन दिस इज़ कॉल्ड ओवर फिटिंग ओवर फिटिंग मैंने आपको पढ़ाया था बहुत डिटेल में ओवर फिटिंग होता है जब आपके डेटा में हाई वेरियंट्स होता है हाई वेरियंट्स का मतलब क्या होता है हाई वेरियंस का मतलब होता है अलग अलग डेटा सेट पे अलग अलग रिजल्ट देना एंड इट इज़ क्वाइट लॉजिकल राइट ये जो डिसीजन सरफेस है ये किसी नए डेटा सेट के ऊपर सेम परफॉर्मेंस नहीं देगा इसका परफॉर्मेंस डिफरेंट आएगा तो दैट इज़ वाई वेन द के वैल्यू इज वेरी स्मॉल लेट्स से वन और टू ओवर फिटिंग होने का चांस रहता है अब इसका उल्टा केस समझते हैं उल्टा केस के लिए एक बार फिर से आई ड्रॉ द सेम डेटा सेट मान लो दिस इज द डेटा सेट अब एक क्वेश्चन है आपसे आप सोच के देखना के का हाईएस्ट वैल्यू कितना हो सकता है वॉट इज द मैक्स वैल्यू ऑफ के आई होप आप समझ पा रहे हो मैक्सिमम वैल्यू उतना ही होगा जितने आपका एन है एन है 200 तो के होगा 200 तो लेट्स टेक के इक्वल टू टू हंड्रेड एंड नाउ लेट्स थिंक क्या होगा सो मान लो के दो है और एक नया क्वेरी पॉइंट यहाँ पे आया तो अब हम इसके कितने नियरेस्ट नेबर्स निकालेंगे 200 हंड्रेड नीरेस्ट नेबर्स निकालेंगे बेसिकली हम हर पॉइंट को कंसिडर करने लगेंगे हर पॉइंट को कंसिडर करने लगेंगे और अब हमें नियरेस्ट 200 सौ नेबर चाहिए मतलब ये सारे के सारे जो नेबर्स हैं ये जो सारे का सारे पॉइंट्स हैं ये पूरा का पूरा हमारा नेबरहुड होगा हो ये पूरा का पूरा हमारा नेबरहुड होगा हो और इससे प्रॉब्लम क्या है कि आउटपुट जो होगा क्लास जो होगा वो हमेशा वो होगा जो क्लास डोमिनेट करेगा लेट्स से यहाँ पे ब्लू क्लास इज हायर इन नंबर्स दैन पिंक क्लास तो आप कहीं पे भी पॉइंट डाल दो उसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा कि ब्लू है वो आई होप आपको समझ में आ रहा है बिकॉज ब्लू हमेशा मेजोरिटी काउंट में जीतेगा तो दिस इज़ अ वेरी सिंपलिस्टिक मॉडल जो ज़्यादा सोच ही नहीं रहा है आप उसको कहीं भी पॉइंट दे दो यहाँ दे दो यहाँ दे दो यहाँ दे दो कहीं भी दे दो उसका आंसर हमेशा ब्लू रहेगा ठीक है एंड दिस इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अंडर फिटिंग जहाँ पर आपने डेटा के अंदर के पैटर्न को ज़रा सा भी नहीं समझा और आप बस डायरेक्टली अपने रिजल्ट दे रहे हो ठीक है तो दिस इज़ अ सिनारीो वेयर अंडर फिटिंग विल हैपन तो इन शॉर्ट याद रखना है आपको कि की बहुत लो वैल्यूज़ विल गिव यू ओवर फिटिंग एंड के की बहुत हाई वैल्यूज़ विल गिव यू अंडर फिटिंग सो आपको क्या करना होता है एक इंटरमीडिएट वैल्यू खोजना होता है और वो आप एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ही खोज पाते हो मैं आपको ये जो पूरा डिस्कशन हुआ है इसका एक कोड डेमो दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा और अच्छा इंट्यूशन डेवलप होगा सो आई हैव मेड अ स्मॉल टूल आप स्क्रीन पे देख सकते हो सो so, यहाँ पे मैंने क्या किया है मैंने वही ब्रेस्ट कैंसर वाले डेटा सेट का जो फर्स्ट टू कॉलम्स था उसको लिया बिकॉज उसमें थर्टी कॉलम्स थे थर्टी कॉलम्स को आप विजुलाइज नहीं कर सकते मैंने फर्स्ट टू कॉलम्स ले लिया यहाँ पर जो कलर्स हैं ब्लू एंड ऑरेंज ये हमारी क्लासेस हैं वन और जीरो की और यहाँ पर मैंने एक स्लाइडर uh, लगा रखा है जहाँ से आप के वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो एन नेबर्स सेलेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन सी जब के का वैल्यू वन है तो यू वुड सी कि आपके डेटा में अंडरफिटिंग हो रहा है बिकॉज यू कैन सी छोटे छोटे डिसीजन रीजनस बन रहे हैं uh, एक एक पॉइंट को कंसिडर करके सो यू कैन सी ये ऑरेंज पॉइंट अकेला है ब्लू रीजन में क्लियरली ये एक आउटलायर है बट इसके अराउंड एक बाउंड्री बन गई है यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लाई करने लगेगा तो वो भी ऑरेंज हो जाएगा ठीक है सिमिलरली यहाँ पर यू कैन सी एंड यू कैन सी दीज ब्लू रीजन इन ऑरेंज वाला रीजन सो दिस इज क्लियरली अ केस ऑफ ओवर फिटिंग ठीक है अब आप जैसे जैसे के वैल्यू को बढ़ाते हो इनफैक्ट मैं आपको फाइव uh, का दिखाता हूँ तो यू वुड सी कि थोड़ा स्मूदन होने लगता है ये पूरा का पूरा कर्व ये जो डिसीजन बाउंड्री है यू कैन सी अब ये टू का दिखा रहा है वैसे बिकॉज uh, फाइव पे जाने के लिए टू थ्री फोर सब जाएगा या दिस इज फाइव एंड यू कैन सी काफी स्मूथ आउट हुआ है और वो जो इंडिविजुअल बाउंड्रीज थी वो हटने लग गई हैं ठीक है अगर आप इसको और बढ़ा के लेट्स से टेन पे ले जाते हो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये कोड अभी सिक्स का दिखा रहा है एंड लेट्स वेट टेन का भी दिखाएगा या दिस इज टेन एंड यू कैन सी मच बेटर कोई भी अब उस तरह की छोटी छोटी डिसीजन रीजन नहीं दिख रहे होंगे अगर मैं आपको डायरेक्टली ट्वेंटी दिखाऊं तो यू वुड सी वेरी गुड ये डिस नहीं होगा ये इलेवन का है एंड लेट्स वेट फॉर के इक्वल टू ट्वेंटी या दिस इज के इक्वल टू ट्वेंटी यू कैन सी दिस इज अमूथ डिसीजन बाउंड्री ऑल्सो दिस इज नॉन लीनियर बट स्टिल दिस 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 एक्चुअली शोज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ठीक है तो दैट इज पॉइंट अब अगर आप और के को बढ़ाते जाओगे तो वो अंडर फिटिंग की तरफ लीड करने लगता है ठीक है तो आई आई शेयर दिस कोड आपका काम है एक बार अलग अलग वैल्यूज के लिए आप इसको चला के देखो ऑब्जर्व करो अपने ऑब्जर्वेशन को कहीं नोट डाउन करो ठीक है सिंपल समरी ये है के का वैल्यू बहुत छोटा होने पे ओवर फिटिंग होता है के का वैल्यू बहुत बड़ा होने पर अंडरफिटिंग होता है आपको बीच का एक वैल्यू खोजना हो होता है सो so गाइज अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया के एन एन के बारे में अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे कि Canon के एन एन के लिमिटेशन क्या हैं देखो मशीन लर्निंग एलगोरिदम्स बहुत सारे हैं और आप उनको यूज़ करना भी सीखोगे बट मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये समझ पाना कि किस तरह के सिचुएशन में कौन सा मशीन लर्निंग एलगोरिदम यूज़ हो सकता है और किस तरह के सिचुएशन में यूज़ नहीं हो सकता है ठीक है तो हम अभी वो पढ़ने वाले हैं कि ए एन एन कहाँ कहाँ फेल करता है हम के एन एन के फेलियर केसेस पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? मैं आपको पाँच छः फेलियर केसेस बताऊँगा एंड ट्रस्ट मी उससे आपका परसेप्शन बिल्ड होगा हाउ एंड वेन टू यूज़ के एन एन तो पहली जगह जहाँ पर आप के एन एन यूज़ नहीं करना चाहोगे वो है जब आपके पास बहुत ही लार्ज डेटा सेट्स हैं लाइक like, बड़े डेटा सेट्स हैं लेट्स टेक एन एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक ऐसा डेटा सेट है जहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइव लाख है ठीक है एंड लेट्स ए नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं नंबर ऑफ फीचर्स वो हंड्रेड है सो so बेसिकली ये डेटा सेट इस शेप का है पाँच लाख बाय सौ बहुत ही लार्ज डेटा सेट है अब आप सोच रहे कि प्रॉब्लम क्या है अगर बड़ा डेटा सेट है तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने ध्यान से अभी तक का वीडियो देखा होगा तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि के एन एन इज़ अ लर्निंग टेक्निक क्या होता है लेजी लर्निंग टेक्निक लेज़ी लर्निंग एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल होता है जहां पर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज कोई काम नहीं होता सारा का सारा काम प्रिडिक्शन फ़ेज़ में होता है और ये बात एप्लीकेबल है के के ऊपर कैसे खुद ही सोच के देखो हम क्या करते हैं हम सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं लाइक like दिस फिर एक नया क्वेरी पॉइंट आता है और हम उसका डिस्टेंस सभी से निकालते हैं के के वैल्यू के अकॉर्डिंग नियरेस्ट नेबर्स कैलकुलेट करते हैं और फिर मेजोरिटी काउंट अप्लाई करते हैं बट अगर आप ध्यान से सोचो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है डिस्टेंसेस निकालना उसको सॉर्ट करना मेजॉरिटी काउंट लगाना ये सब तब आप करते हो जब आपके पास एक क्वेरी पॉइंट होता है क्वेरी पॉइंट मतलब जब आप प्रिडिक्शन फेज में हो इफ़ यू थिंक केयरफुली ट्रेनिंग वाले फेज़ में यू एक्चुअली डू नथिंग यू एक्चुअली डू नथिंग आप कुछ भी नहीं करते हो आप बस इन पॉइंट्स को स्टोर करके रख लेते हो दैट्स एट दैट्स द ट्रेनिंग फेज एंड दैट इज़ वाई कि एन एन इज़ नोन एज अ लेजी लर्निंग टेक्निक ट्रेनिंग फेज में कुछ नहीं होता सब कुछ प्रिडिक्शन फेज में होता है अब प्रॉब्लम क्या है इस अप्रोच का कि ट्रेनिंग तो बहुत फास्ट है क्योंकि ऑब्वियसली आपको कुछ करना ही नहीं है तो फास्ट होगा बट जो प्रिडिक्शन है वो बहुत स्लो हो जाता है एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द डेटा सेट अगर डेटा सेट बहुत बड़ा है तो प्रोडिक्शन बहुत स्लो हो जाएगा खुद ही सोच के देखो मान लो अगर आपके पास पाँच लाख पॉइंट्स हैं लाइक इस तरीके से पाँच लाख पॉइंट्स हैं तो अब कोई नया पॉइंट जैसे ही आया आप उसका डिस्टेंस कितने पॉइंट्स के साथ कैलकुलेट करोगे फ़ाइव लाख ,00 पॉइंट्स के साथ बेसिकली आप फाइव लाख ,00 डिस्टेंसेस कैलकुलेट करोगे फिर आप इन फाइव लाख डिस्टेंसेस को सॉर्ट करोगे फिर आप मेजॉरिटी काउंट लगाओगे और ये सब कुछ प्रिडिक्शन के टाइम पे हो रहा है इमेजिन करो एक बंदा आया उसने वेबसाइट पे सारा इनपुट प्रोवाइड कर दिया और अब उसने जैसे ही प्रिडिक्ट क्लिक किया तो अब आप ये सारा काम कर रहे हो ये सारे डिस्टेंसेज कैलकुलेट कर रहे हो उसको सॉर्ट कर रहे हो मेजोरिटी काउंट निकाल रहे हो लेट्स से ये पूरा चीज़ करने में तीन सेकेंड्स लग गए नाउ तीन सेकेंड इज प्रिटी स्लो स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेट कंपनीज जहाँ पे लो लेटेंसी बहुत मैटर कर जाता है वहाँ पे तीन सेकंड्स अगर लग रहा है आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस होने में तो आपका जो कस्टमर है वो बेसिकली छोड़ देगा आपका प्लेटफॉर्म ठीक है तो दिस इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ के नियरेस्ट नेबर्स कि छोटे डेटा सेट पर तो चलो अच्छा रिजल्ट आ जाता है बिकॉज आपका प्रडिक्शन में डिस्टेंसेस कम कैलकुलेट करनी है बट अगर डेटा सेट बहुत बड़ा है तो फिर इट कुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गिव रिजल्ट्स। दिस इज़ द फर्स्ट ड्रॉबैक द सेकेंड ड्रॉबैक इज हाई डायमेंशनल डेटा इफ यू हैव आ डेटा सेट जिसमें मान लो बहुत सारे फीचर्स हैं लेट्स फाइव हंड्रेड फीचर्स हैं नंबर ऑफ इनपुट कॉलम्स अगर फाइव हंड्रेड है तो फिर क्या होता है कि करस ऑफ डायमेंशनैलिटी किक इन करता है जो कि क्या बोलता है कि अगर डेटा सेट बहुत हाई है एज इन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन बहुत हाई है तो हायर डायमेंशन्स में जो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है जो डिस्टेंस निकालने का कॉन्सेप्ट होता है वो रिलायबल नहीं रहता कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी यही बोलता है कि हायर डायमेंशन में जब आप डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हो लेट्स ए यूक्डियन डिस्टेंस तो वो एक्चुअली बहुत रिलायबल मेजर नहीं होता है वो सही से डिस्टेंस समझ नहीं पाता है बता नहीं पाता है और सिंस के कम्पलीटली रिलाईज ऑन डिस्टेंस अगर डिस्टेंस ही सही से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा हायर डायमेंशन में तो फिर के एन एन के रिजल्ट भी रिलाईबल नहीं होते तो इफ़ यू हैव वेरी हाई डायमेंशनल डेटा सेट यू शुड अवॉयड यूजिंग के एन एन बिकॉज इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कैलकुलेटिंग डिस्टेंसेज वंस द डिस्टेंस आर डिस्ट्रॉटेड यूर रिजल्ट इज डिस्ट्रॉटेड ठीक है आई होप आपको सेकेंड पॉइंट भी समझ में आ गया थर्ड पॉइंट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है आउटलायर्स uh, के साथ आपका के एन एन अच्छा काम नहीं करता आउटलायर्स के साथ के एन एन अच्छा काम नहीं करता एंड दिस इज प्रटी ईज़ी टू अंडरस्टैंड मान लो ये आपके पिंक पॉइंट्स हैं ये आपके ब्लू पॉइंट्स हैं और इन्हीं ब्लू पॉइंट्स में मान लो यहाँ पर दो पिंक पॉइंट्स हैं नाउ यू कैन ईजिली सी कि ये जो पिंक वाले पॉइंट्स हैं दीज आर आउटलायर्स इनको यहाँ पे ब्लू रीजन में नहीं होना चाहिए था बट डेटा में नॉइज है आउटलायर्स लायर्स हैं ठीक है अब क्या होगा कि मान लो आपने k इक्वल टू थ्री कर रखा है तो इस पूरे रीजन में अगर कोई भी पॉइंट आके गिरता है आप उसको पिंक लेबल कर दोगे बेसिकली आपका जो डिसीजन बाउंड्री है उसमें ये वाला रीजन पिंक हो गया इतना रीजन ब्लू हो गया और फिर से इतना रीजन पिंक हो गया राइट right. बट ये जो रीजन था इसको पिंक होना नहीं चाहिए था इसको ब्लू ही रहना चाहिए था बट ये पिंक हो गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स तो मैं बेसिकली बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से के काम करता है वो बहुत सेंसिटिव है आउटलायर्स को लेकर के अगर के की वैल्यू सही सेट से से नहीं की गई तो फिर आप आउटलायर्स के चक्कर में पड़ जाओगे और आपका जो रिजल्ट होगा वो खराब हो सकता है ओवर हो सकता है एंड ओवर होगा तो फिर इट्स नॉट अ गुड थिंग ठीक है फोर्थ फोर्थ केस जहाँ पे के को यूज करते टाइम आपको केयरफुल रहना चाहिए वो है नॉन होमोजीनियस स्केल्स फीचर स्केल्स मतलब सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए मान लो आपके पास ये डेटा है कि एक्सपीरियंस uh, कितना है सैलरी कितना है और उस एम्प्लॉय को फायर किया गया या नहीं तो यू वुड सी कि सैलरी एक्सपीरियंस जनरली कितना होगा ज़ीरो से ट्वेंटी फाइव के रेंज में होगा बट सैलरी का रेंज कुछ भी हो सकता है इट कुड बी ट्वेंटी के से लेकर के वन करोड़ तक का अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ये ग्राफ प्लॉट करोगे एक्सपीरियंस वर्सेस सैलरी ग्राफ तो दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालने में आपका सैलरी वाला कंपोनेंट डोमिनेट कर जाएगा एक्सपीरियंस वाले कंपोनेंट को एंड अगेन ये डिस्टेंस रिलायबल नहीं रहेगा और ये डिस्टेंस अगर रिलायबल नहीं रहेगा तो फिर आप के के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि अगर आपके पास डिफरेंट स्केल्स वाले फ़ीचर्स हैं यू शूड यूज स्केलिंग उनको सेम स्केल पर लाना ज़रूरी है टू गेट रिलायबल रिजल्ट आउट ऑफ के एन एन ठीक है आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया दो और पॉइंट्स में जल्दी से डिस्कस करना चाहूँगा फिफ्थ पॉइंट जहाँ पे के एन एन फेल करता है वो है इम्बैलेंस्ड डेटा सेट इम्बैलेंस डेटा सेट एक ऐसा डेटा सेट होता है जहाँ पर आपके दो क्लासेस के बीच में एक इम्बैलेंस होता है जैसे कि मान के चलो कि येस वाले पॉइंट्स 98% परसेंट हैं और नो वाले पॉइंट्स सिर्फ 2% परसेंट है तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आपका डेटा कुछ ऐसा दिखाई देगा अ लॉट ऑफ पिंक पॉइंट्स अ लॉट ऑफ पिंक पॉइंट्स वेरी फ्यू ब्लू पॉइंट्स समथिंग लाइक दिस ठीक है अब ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड इस तरह के सीनारियों में प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो भी आपका काइंड ऑफ बाइज होगा टूवर्ड्स वन क्लास इन दिस केस पिंक क्लास तो अगेन द रिज़ल्ट वुड नॉट बी एज गुड एज यू कैन गेट ठीक है तो इसको भी सॉर्ट करना ज़रूरी है अगर आपके पास इंबैलेंस डेटा सेट है के एन एन इज़ वन ऑफ दोज एल्गोरिदम्स जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा ठीक है एंड द लास्ट पॉइंट इज़ Uh, कि इफ़ यू आर यूजिंग के एन एन फॉर इन्फुरेंस एंड नॉट फॉर प्रडिक्शन तब भी के एन एन फेल करता है मेरा कहने का मतलब है कि के एन एन के लिए अच्छा नहीं है प्रडिक्शन के लिए अच्छा है क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा बिकॉज सोच के देखो आप एक्चुअली डिस्टेंसेस के ऊपर रिलाई कर रहे हो टू फाइंड आउट कि आपका जो नया क्वेरी पॉइंट है उसका क्लास क्या होगा बट आप एक बार जैसे ही डिसाइड कर ले रहे हो कि उसका क्लास क्या होगा आप ये नहीं बता सकते कि ये क्लास डिसाइड करने में सी का ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था या आई का ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि एट द एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स आर बेसिकली फंक्शंस राइट बट के एन इज़ वन सच फंक्शन जो x के कंपोनेंट्स का कितना इम्पैक्ट रहा y कैलकुलेट करने में ये आपको निकाल के नहीं दे पाएगा सो इन अ वे इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैक बॉक्स मॉडल मुझे नहीं पता कौन सा फीचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रिडिक्शन करने के लिए कौन सा फ़ीचर कम इम्पॉर्टेंट है ऑल आई नो इज़ कि अगर आप मुझे एक नया क्वेरी पॉइंट दोगे तो वो वन क्लास में आएगा या ज़ीरो क्लास में आएगा इतना के करके देता है प्रिडिक्शन के करके देता है इन्फ्रेंस में बहुत अच्छा नहीं है तो इन समरी दीज आर द सिक्स फेलियर केसेस ऑफ के यू हैव टू बी केयरफुल अगर आप इस तरह के सिनारीज़ में हो पहला इफ़ यू आर वर्किंग विथ लार्ज डेटा सेट्स आपका जो लेटेंसी है वो बहुत हाई रहेगा तुरंत रिजल्ट नहीं आएंगे हाई डिमेंशनल डेटा में कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी आता है डिस्टेंसेज निकालना रिलायबल नहीं रहता है जिसकी वजह से के एन रिलायबल नहीं रहता है आउटलायर्स होने में आपका ओवर फिटिंग होने का चांस है अगर के का वैल्यू सही से ट्यून्ड नहीं है अलग अलग स्केल्स होने पे डिस्टेंस रिलायबल नहीं है इम्बैलेंस डेटा में एक बायस आ जाता है एक पर्टिकुलर क्लास के लिए और प्रडिक्शन के लिए तो अच्छा है बट इन्फरेंस के लिए अच्छा नहीं है तो ये छः पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप केयरफुली के को यूज़ कर पाओगे सो दैट वॉज द वीडियो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया के के बारे में आप काफ़ी कुछ सीखें अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक like करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय